जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी न्यू रिक्रूटमेंट निकली है जो कि आपकी मैनेजर और अन्य वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में बताऊंगा। साथ में बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में, तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इसकी इस वैकेंसी के बारे में। पर उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़े, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी अपडेट मिलती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको 16 पेज का नोटिफिकेशन है आप दे सकते हैं, आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है। यहाँ पे आप दे सकते हैं रिक्रूटमेंट वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग इन स्किल सेकंड 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, रेगुलर डेप्यूटेशन बेस पे है। एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 9/10/2021 से 23/10/2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी आपको वेबसाइट की मैं बता दूँ कहाँ पर आपका लिंक रहेगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को वैकेंसी दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MMGS सेकंड मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की यहाँ पे आपको दे रहे हैं 1/9/2021 के अनुसार 23 से 35, 26 से 35, 29 से 45, 32 से 45, 35 से 55, 38 से 55 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रखा गया है वैकेंसी के अनुसार, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलेंगे फ्रेंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। यहाँ पे आपको देखते हैं जो वैकेंसी है आपको नीचे और देखने को मिलेगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोडक्ट की, यहाँ पे ऑपरेशन की, रिस्क मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसकी मैं आप लोगों को अलग से नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल दूंगा, ठीक है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए 9/10/2021 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से, क्लोजिंग डेट 23/10/2021 है, तो 23/10 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड आप किसकी डिटेल देने से पहले मेरी एक बार और रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए IBPS की वेबसाइट है, यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम दो बार, लास्ट नेम इस तरीके से देना, मोबाइल नंबर कंफर्म, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नीचे आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अल्टरनेटिव यहाँ पे डोमेन आपको देना है जिसका है, यहाँ पे कंप्लीट आपको ईमेल आईडी देंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फोटो सिग्नेचर डिटेल रिव्यू अपलोड पेमेंट आपको देखना होगा करना होगा, ठीक है। ये सब स्टेप है, 6 स्टेप में आपको ये कंप्लीट आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना नाम भर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैंने जो अपनी जो डिटेल थी वो फिल कर ली थी, इसके बाद देखिए फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपना फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको गाइडलाइंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए 20 से 50 KB का आपका फोटो रहेगा साइज, डायमेंशन यहाँ पे 200 से 230 पिक्सल, यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका सिग्नेचर का, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा तो 40 से लेके 60, 10 KB से 20 KB के, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइल रहेगा, साइज रहेगा, फाइल टाइप JPG JPEG रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट का यहाँ पे आपको साइज दे रखा है, यहाँ पे आपका जो है प्रोसीजर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है, तो ये सब आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी फोटो अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं मैंने सैंपल के रूप में अपना फोटो और यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई फॉर्म नहीं भरा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताने के लिए फॉर्म को आपको बता रहा है एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पे आपको देखिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, CEO ऑफिस फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आपको देखिए टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको मैनेजर डिजिटल टेक्नोलॉजी या सीनियर या चीफ मैनेजर जो भी है यहाँ पे आप देना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या फिजिकली डिसेबल है, यस या नो करेंगे तो डिसेबिलिटी का टाइप देखने को मिल जाएगा,
जिस टाइप की यहाँ पे आपकी वैकेंसी होगी पोस्ट के अनुसार अपनी जो दे सकते हैं किस डिसेबिलिटी के लिए आप वैकेंसी वो यहाँ पे देखने को मिल जाए। एक बार आप नोटिफिकेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आप किस धर्म से हैं, तो अपना जो भी धर्म है यहाँ पे बता दें। क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्विस की लेंथ बतानी है, कितने समय काम किया है। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी से है, कम्युनिटी से, अगर आपके रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो यस या नो करना है। नेशनलशिप आपको बतानी है, इंडियन है, यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जानकारी देंगे, ईयर यहाँ पे आप दे देंगे। जेंडर बताना है, मेल फीमेल है, क्या आपके देखिए ब्रदर भाई ट्विन है या सी अनो, यहाँ पे आपको जेंडर आपको बताना है, अगर ट्विन है तो आपको मेल है कि फीमेल है आपको बताना है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे आप नाम देंगे, आपका शादीशुदा है या नहीं उसकी जानकारी देंगे, अगर है तो दे दीजिएगा फादर नेम, फिर इसका मदर नेम, स्पाउस का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप देंगे अपनी वाइफ या हस्बैंड का नाम, एड्रेस वन, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे आप बताएंगे अपना स्टेट, जिस स्टेट से यहाँ पे उस स्टेट की जानकारी यहाँ पे देंगे। पिन कोड देंगे, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको देखिए जो भी जीएसटी आप देना चाहे, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस का परमानेंट एड्रेस को, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। आपको जो फीस है देखने को मिल जाएगी 150 रुपये है, वैलिड और डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो भी एरर होगी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सब सही होने पर वेरी आपका सब कुछ सही वेरीफाई ओके आ जाएगा, इस तरीके यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, ये आपको तीनों है, यहाँ पे एक एक करके आपको देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे बी आप मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको क्या जो कोर्स है यहाँ पे कोर्स का आपको मोड बताना है, रेगुलर फुल टाइम कोर्स, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट क्लास का, जो भी यहाँ पे आप क्लास बताएंगे यहाँ पे आपको जो परसेंटेज यहाँ पे बताना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अदर कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में किस टाइप का कोर्स था, रेगुलर कोर्स था, आपका डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज यहाँ पे देने हैं। इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देने के बाद डू हैव मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अदर, आपका कैडेट ऑफिसर, आपका कैडेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन में यस या नो करना है, ठीक है। आर यू वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSB, PSU, ऑटोनॉमस बॉडी, यस या नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है आर यू आप वर्किंग प्राइवेट सेक्टर, आपका ड्रॉइंग CTC कितना है, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। करंट आपको CTC पर मंथ है, यहाँ पे उसके अनुसार यहाँ पे आप देंगे, यहाँ पे अगर आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जानकारी देनी होगी, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे अपनी डिटेल को इस तरीके से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डू हैव मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे यस रहना है डेफिनेटली। यहाँ पे आपको सेंट्रल स्टेट में काम करते हैं या प्राइवेट में करते हैं, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका आएगा नेम ऑफ एम्प्लॉई, आपका अपना एम्प्लॉई का जहाँ पे काम करते हैं, किस पद पर है, ठीक है। यहाँ पे बताना, अगर देखिए आप प्रेजेंटली वर्किंग है यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कब से ज्वाइन किया और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे बतानी हो, अगर यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो इस केस में यस में तो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे बता आपके काउंट हो जाएंगे, ठीक। लैंग्वेज आप जानते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे और यहाँ पे रीड राइट इसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेम वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई लिखा हुआ जाएगा ऊपर, सबको सही होने पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक से अधिक काम किया तो ऐड मोर करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है गलती हो गई तो रिमूव भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए अपना एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ पे डिटेल देनी है, एक बार जरूर चेक कर लें जिस वैकेंसी का अप्लाई कर रहे हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस कितना मांगा है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू या डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सब कुछ सही वेरीफाई सक्सेसफुल होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, नीचे आना है, यहाँ पे नीचे पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी आपका लगता है कि गलती आपने गलत हो गया तो उसको यहाँ पे आपको क्या करना, सबमिटिंग करना, एडिट पर जाकर आपको एडिट कर सकते हैं। आर यू श्योर टू कंटिन्यू पे क्लिक करा मैंने यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए लेफ्ट थंब, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और यहाँ पे आपको जो PDF अपलोड करनी है, ठीक है। तो PDF का साइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है क्या क्या आपको अपलोड करना है। यहाँ पे PDF 20 से 500 KB का रहेगा, ठीक है, इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है डायमेंशन आप दे सकते हैं, आपका जो बाकी है डॉक्यूमेंट एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका JPG में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आपको साइज दे सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन इंग्लिश क्लियरली होनी चाहिए, व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से होना चाहिए, ठीक है। फाइल टाइप JPG रहेगा, यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं 50 से 100 KB के बीच में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा,
पेमेंट है आपके आपके गेटवे पे जाएंगे, वहां पर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पे आपका पेमेंट कर सकते हैं। आपकी वैकेंसी के अनुसार आपकी पेमेंट होगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट रूप से दी है। अगर आपके इसके अलावा कोई डाउट है फॉरम फिलअप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर सहायता करूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी अपडेट के बने रहें। फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल मिल जाऊंगा, कमेंट में आप लोगों के आंसर जरूर दूंगा। फेसबुक पर पूछें, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर दे दूँ। वीडियो देखते धन्यवाद।